नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़, आप देख रहे हैं कॉमर्स दबा। लेट्स बिगिन। डू यू थिंक दिस इज योर टाइम? याद करिएगा कि आपके पास जब दो लीनियर इक्वेशन होती थी तो उसमें किस तरह के केस बनते थे। अगर आपके पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन है और वो अगर पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल, तो हम बोलते थे कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है और इसमें देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तब बनता है जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि इफ लाइंस आर पैरेलल, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। सेकंड केस इज इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। अगर लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट भी कैसा कि यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम इज कंसिस्टेंट में दूसरा केस क्या आता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट तो है पर लाइन क्या है, ओवरलैप कर रही है। लाइन ओवरलैप मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है बट देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपने 10th क्लास से पढ़ी है, वैसे ही कंसिस्टेंसी हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन अ मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, तो आपके पास बाय चांस अगर तीन इक्वेशन है या दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, आप उस लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। अब आपको पता है कि उस डिटरमिनेंट को हम ए एक्स इज इक्वल टू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज वेरिएबल एक्स वाई जेड, बी इज द नंबर विच इज ऑन राइट हैंड साइड। अगर ऐसा होता है तो आप कैसे निकालेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहला पॉइंट, इसमें जो आपका ए आएगा उसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है या तो न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो आएगी या आएगी नॉट इक्वल टू जीरो। तो किस तरह से आप केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है तो आपको ये बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ योर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो में देर आर टू केसेस, ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, देर आर टू केसेस। याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपकी वैल्यू ए की इक्वल टू जीरो है तो दो केस बनते हैं, adjoint of a into b is not equal to zero, adjoint of a into b is equal to zero. अगर 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 आपकी a की value equal to zero है और आपका adjoint of a into b is not equal to zero, इसका मतलब no solution, inconsistent. वैसे ही अगर आपकी a की value equal to zero है और adjoint of a into b की value भी zero है, इसका मतलब system is consistent but there are infinite number of solutions. आइए इसको revise कर लेते हैं। पहला केस कि a is not equal to zero, अगर a equal to zero नहीं है इसका मतलब it has unique solution. a equal to zero होने पर दो केस बनते हैं, adjoint of a into b is not equal to zero, adjoint of a into b is equal to zero. इन नॉट इक्वल टू जीरो में देर इज नो सॉल्यूशन, और जब इक्वल टू जीरो रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ कॉन्सेप्ट बना के इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन करने कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप किसी सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। लेते हैं सिस्टम, मानिए कि आपके पास एक सिस्टम है 3x minus y 2z is equal to 2, 2y minus z is equal to minus 1, 3x minus 5y is equal to 3। ये आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन है x, y, z के फॉर्म में। तो पहले तो हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और डिटरमिनेंट कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसका कंसिस्टेंट चेक करेंगे। अब देखिए इसमें x मिसिंग है तो वी कैन राइट इट 0x। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन z इज मिसिंग सो वी कैन राइट 0z। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस और वी कैन से डिटरमिनेंट्स। So this will be a is equal to 3 minus 1 minus 2, 0, 2 minus 1, 3 minus 5, 0. अब आपको मैंने कहा था कि जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x, y, z, इनको हम x लेके करेंगे सॉल्व, दैट इज x, y, z. अब आगे बढ़ते हैं b की तरफ, b आपका आएगा 2 minus 1, 3. तो इस तरह से हम यहां पर सिस्टम को
मैट्राइसिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। आपके पास ए एक्स और बी की वैल्यू आ गई है। अब किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ ए आपको सॉल्व करनी आती है। आप पहले लेंगे 3 तो उसके साथ लेंगे 2 इंटू 0 माइनस माइनस 5 इंटू माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 0 की तरफ बढ़ रहा हूं। आई एम गोइंग कॉलम वाइज। व्हाई? बिकॉज आई एम गेटिंग 0। दिस 0 विल मेक होल ब्रैकेट 0। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कॉलम। दिस विल बी 0 ओनली प्लस 3। जब मैं 3 लूंगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2 into 2 is minus 4, that is this. So this will be minus 15, this will be 0 plus minus minus plus 1 into 5, 15. Answer is 0. इसका मतलब ये पक्का है कि not unique. ये पक्का हो गया क्योंकि जब आपके पास a की value 0 आ जाती है तब आपको समझ में आता है कि वो यूनिक नहीं होगा। अब इक्वल टू जीरो वाला केस है तो इसमें दो केस बनते हैं। अभी हम कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। या तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या तो इस सिस्टम के एक भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए टू बी। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तब एक अलग केस है और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो एक अलग केस है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। a11 a12, हाँ वही वाला कोफैक्टर वाला निकालना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आप बस ये याद रखिएगा कि कोफैक्टर निकालते टाइम साइन कन्वेंशन का यूज जरूरी होता है। तो साइन कन्वेंशन को प्लीज ख्याल में रखिएगा नहीं तो पूरी वैल्यू गलत आएंगी। तो a11 निकालने के लिए आपको यहां से 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 5 देना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा माइनस 5। a12 निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा इसमें दिस इंटू दिस दैट इज माइनस 3। फिर आपको लेना पड़ेगा माइनस 6। वैसे ही 2 है आपके पास तो लेना पड़ेगा आपको 10। फिर यहां से लेंगे आप a22 के लिए वैल्यू आएगी 6 और a23 के लिए आएगी आपके पास 12। a31 के लिए आपके पास आएगी 5। a32 के लिए वैल्यू आपके पास आएगी 3 और a33 के लिए आएगी आपके पास 6। तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और यहां पर आप लिख देंगे और इसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 6 का ट्रांसपोज। इसका मतलब आपका आंसर आएगा माइनस 5 10 5 माइनस 3 6 3 माइनस 6 12 6। अब जब आप एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो आपको आपका आंसर मिलेगा। तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दैट इज माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 6 इंटू बी। इंटू बी मतलब आपके पास वैल्यू है बी की 2 माइनस 1 3। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, जब आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, याद करिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। मतलब जब लाइन पैरेलल होती है तो जो केस बनता है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर भी आपका वही सॉल्यूशन बन रहा है कि जब आपकी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा इट मींस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दिस इज हाउ वी जज वेदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इट इज गिविंग यूनिक सॉल्यूशन
इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। एक बात और देख लेते हैं कि जिस तरह से इस क्वेश्चन में आपके पास b की वैल्यू 2 माइनस 1 3 है, जो कि डिपेंड करती है इज इक्वल टू के बाद वाली, मतलब राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू 2 माइनस 1 3। हो सकता है कि कभी कभी ये वैल्यू 0 हो जाए, उस केस में क्या? हाँ जी, इस केस में आपके पास सारी वैल्यू a और x की तो वही आएंगी, पर b की वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगी। जब ऐसा केस बनता है तब आप याद रखिएगा कि आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू के दो केस होंगे, a इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी a इक्वल टू 0 आएगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0 आएगी, इसका मतलब इट इज हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, z भी 0 आएगा। याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को देखकर बता सकते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन आने वाला है। अगर आपके पास b 0 0 0 आ गया और आपके पास a की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इट इज हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर बाय चांस a की वैल्यू 0 नहीं आती है, इसका मतलब इट इज हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, आपके पास दो केस हैं यहाँ पे, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब x 0, y 0, z 0, और अगर नहीं आती 0, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आप अब इस चैप्टर को जब करने बैठेंगे तो आपको हर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और हमारा एम है बोर्ड में 100% आना, आपका एम पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, दोबारा मिलते हैं। इफ यू डिसलाइक अ वीडियो हिट द डिसलाइक बटन, बट इफ यू लाइक अ वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अ चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग इन commercedaba.in। और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है उसको बजाना मत भूलिएगा। तथास्तु।